ऑलरेडी पिंक तो अभी शाम की टाइम डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मौसम। ऑलरेडी सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज हरेन फ्रॉम उत्तराखंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो कुछ खास नहीं है, बिल्कुल आपको पता है इस टाइम पे कोरोना वायरस का टाइम है और मैं खुद आज सुबह मुझे फ़ोन आया कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। एक सप्ताह पहले भी, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पे सेंटर में कोरोना टेस्ट करवाया था, अपना गांव में डॉक्टर्स वगैरह आए थे तो मैंने भी अपना सैंपल दिया और आज सुबह में मुझे फ़ोन आता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। तो डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे मेरे ऊपर जिससे मुझे लगे कि हाँ डरने वाली बात है। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या फिर जो भी केयरलेस है, जो सोच रहे हैं कि नहीं होगा, तो थोड़ा अपना मास्क वगैरह कंप्लीट हर टाइम लगाने की कोशिश करो और सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करो। मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि एक हमारे गांव में किसी को कोई एक पॉजिटिव आएगा तो उनके संपर्क में मैं रहा, इसलिए शायद हो सकता है मैं पॉजिटिव आया हूँ। बाकी क्योंकि मैं देहरादून से आया था तो बिल्कुल तब से लेकर अभी तक भी ठीक हूँ और पता नहीं ये, क्योंकि 6 दिन बाद फिर से मेरा सैंपल लिया जाएगा तो उसमें देखता हूँ, अगर पॉजिटिव आता है फिर से तब तो सोचने वाला विषय ही है, वरना नॉर्मली अभी तक। और जैसी रिपोर्ट के बाद जो हमारे गांव में NM है उनके पास ये होम कोविड आइसोलेशन किट भेज दी गई है और इस तरह का ये बॉक्स आपको देखने को मिल रहा होगा और ये आपको COVID-19 होम आइसोलेशन किट दी जा रही है। जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नए आ रहे हैं तो उनके घर में जाकर, गांव में जो भी NMs वगैरह हैं उनके घर में जाके ये किट आपको दे रही है पूरा। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, मास्क से लेकर थर्मामीटर, हैंड सैनिटाइजर और विटामिन सी डी की टैबलेट्स वगैरह और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें केवल एक ये मास्क दिया जा रहा है और विटामिन सी की टैबलेट्स और कुछ दवाई दी जा रही है डॉक्टर्स के सलाह के अनुसार, तो इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं दे रही है। अगर आप इसके प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो आप जल्दी ही ठीक भी हो सकते हैं और अगर आप इसमें लापरवाही बरतेंगे तो हो सकता है ये सीरियस हो सकता है। तो अभी जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है घर में अपने एक अलग से रूम में और किसी के संपर्क में अगर कोई भी अगर पॉजिटिव होता है इस टाइम पे तो जितना हो सके आइसोलेट होने की कोशिश करें, दूसरों से संपर्क कम रखें, क्योंकि हो सकता है जो आपको हो रखी है, आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है, आपको कोरोना हो रखा है उसके बावजूद आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग पे या किसी छोटे बच्चे के साथ आप उसके कांटेक्ट में आते हैं और उसकी इम्यूनिटी कम है तो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जिस दिन मैं अपना सैंपल देने गया था उस दिन की मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिए। गजेंद्र अभी तो मैं आइसोलेशन में हूँ और मेरा फर्स्ट डे आज, क्योंकि घर वालों ने मुझे अकेला कर दिया आज। अकेले वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक सीरियस केस है इस टाइम पे, आपको पता है अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है बाद में। आप लोगों ने दिन डे बाय दिन बढ़ते जा रहे हैं केसेस और डेथ रेट भी आपको पता है, दिन के कम 100-150 केसेस आ रहे हैं कि जो इससे कोरोना से जिनकी डेथ हो रही है पूरे उत्तराखंड में, तो इसको सीरियस लेना चाहिए। कल तक तो मैं पूरा दिन भर यहाँ वहाँ भटक रहा था, दोस्तों के साथ बैठ रहा था, सारे जो भी गेम्स वगैरह क्रिकेट खेल रहा था उनके साथ, और अचानक से आज जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो
सब अलग थलग हो गए सारे। वैसे तो मिल तो सब रहे हैं लेकिन एक जो कॉन्टेक्ट था वो डिस्टेंस में बदल गया है और पास में कोई भी नहीं आ रहा। तो अभी तो मैं अकेला ही हूँ, तो अकेला ही अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वीडियोज वगैरह देख करके यूट्यूब पर। तो अभी शाम के टाइम पे मैं टहलने के लिए छत पर आ रखा हूँ और सारे लोग कल तक तो सारे साथ थे और अभी देखो कोई मिलने के लिए दूर दूर तक, ये कल तक ये साथ में बैठ रहा था, अभी देखो बिल्कुल दूर दूर बैठ रहा है। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। बाबा तो डिनर अभी आ चुका है और मम्मी ने दाल बना रखी है और हरे पत्ते की सब्जी और रोटी पे घी लगा के। तो डिनर कंप्लीट हो चुका है और अब मेडिसिन्स लेते हैं जो आज हमें दिन में मिला था। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।